नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जरूर जाने। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में भारतीय खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया है। दोस्तों बता दूं आपको, आप अंदाजा लगाइए एक टीम वनडे में 50 ओवर में कितना स्कोर बना पाती है, 300, 350, 400। लेकिन नहीं दोस्तों, इस उम्मीद से ज्यादा एक टीम तमिलनाडु, आपको बता दूं, जिसके एक बल्लेबाज ने इतिहास रचते हुए दुनिया भर में क्रिकेटिंग इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था लिस्ट एक करियर में, जो आज हो गया दोस्तों। खिलाड़ी का नाम है एन जगदीशन। अगर इस नाम से आप परिचित नहीं हैं तो बता दूं, चेन्नई सुपर किंग का ये हिस्सा रह चुके हैं और इस साल चेन्नई ने इन्हें रिलीज भी कर दिया है। इन्होंने बता दूं 141 गेंदों का सामना करते हुए 25 चौके और 15 छक्के की मदद से 277 रन की पारी खेल दी। जी हाँ, जो लिस्ट एक करियर में सबसे सर्वाधिक है आज तक किसी भी खिलाड़ी ने। दोहरा शतक तो बहुत ने लगाया है, लेकिन 277 रन का व्यक्तिगत स्कोर किसी का नहीं है। जो एन जगदीशन विकेट कीपर बल्लेबाज तमिलनाडु के, उन्होंने कर दिखाया। साई सुदर्शन ओपनिंग करने आए थे, उन्होंने भी 150 बनाए, 102 बॉल में 154 रन की पारी खेली। और इन दोनों के बीच बता दूं आपको, 416 रन की पार्टनरशिप होती है, वो भी 40 से कम ओवरों में। और इन्हीं दोनों की धुआंधार पारी का नतीजा रहता है दोस्तों कि 50 ओवर में तमिलनाडु 506 रन बनाने में कामयाब रहती है, 2 विकेट के नुकसान पे। अंत के ओवरों में रन उतने सही से नहीं बने, नहीं तो यकीन मानिए 550 भी हो सकता था। और ये मुकाबला खेला गया दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ। हाँ, कमजोर टीम जरूर थी, लेकिन इतनी भी कमजोर टीम नहीं जो 500 के खिलाफ हो जाए और एक बल्लेबाज एन जगदीशन जो 277 रन बना जाए। और अब चेन्नई सुपर किंग जरूर पछता रही होगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे खिलाड़ी को मिस कर दिया है जो विकेट कीपर भी था और अच्छे फॉर्म में भी है। 5 लगातार शतक जड़ चुके हैं एन जगदीशन विजय हजारे ट्रॉफी में, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है।